था तब इतना रश था और मैं आ गई थी। और अब मैंने हस्बैंड जी फिर मुझे बोल रहे हैं जाना है, मैंने कहा चले साथ हस्बैंड जी घूमा ठीक है। और अब चलते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोग। लाइट बंद, बहुत लाइट महंगी है समझ आई, क्योंकि तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, इसलिए लाइट ऑफ कर दी। बस मोड़ दिया नहीं ना कुड़िया तेरिया, जानी भी अच्छा इधर हम लोग जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड जी और देखने के लिए बाजार लेके चल दो बाजार। तकरीबन बाजार में गलियों में ठीक है, और ये गली सजी हुई है। अच्छी गली सजी, मारो आए गली का काम ना, ऊपर मारो इधर मारो। देखिए जी हम लोग जा रहे हैं और बाजार वगैरह सजे हुए थे, पहाड़ियां वगैरह इतनी ही थी बनी हुई। आजकल लोगों को क्या हो गया, वह बस म्यूजिक लगा दिया, वही नातें जो होती है ना, सॉरी नात वगैरह लगा दी, और बस वो जोर से, वो भी ना बड़े बड़े डैगों पे। और जो पहले हम जब छोटे छोटे थे पहाड़ियां बनती थी, हम बड़े भी हो गए तब भी बनती थी, पर आजकल तो इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा भी कम थी, इस दफ़ा भी कम है। और ये देखिए कुछ कुछ जगह है, और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, कुरान रखा हुआ है और रोज़ा रसूल का भी है, वो सारा ना उन्होंने किया हुआ है। तो कुछ लोगों ने बड़ी अच्छा काम किया हुआ है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए हैं फिर कैंट साइड पे, जा रहे हैं हम घर, और तकरीबन खत्म होने को आ चुकी है ठीक है ना। ये अपने छोटे छोटी गली छोटी छोटी गलियों में हमारा ये सर सुनाई, क्या हाल है? ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। हम जा रहे हैं कैंट साइड पे, कैंट साइड का दूसरा दिन होता है पहाड़ियों का, और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ। तो देखते हैं और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं और इंजॉय कराते हैं ठीक है ना। कैंट साइड पे दूसरा दिन होता है, और वो वीडियो का अगले वाला हिस्सा जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने कहा था चलिए अब कट्ठी वीडियो चढ़ाऊंगी और आप लोग देख लेंगे, और चलते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं आप लोगों को भी अपने साथ। बेबी बेबी क्या खेल रहे चोर, उठ जाओ तुमने सुबह स्कूल जाना है, उठ जाओ बेबी, घूम शूम के थक गए है। और जैनब बना रही है भाई चुटिया रात के टाइम, तो चलते हैं फिर दिखाते हैं जी। आज मेरे हस्बैंड जी ने पहनी है शलवार कमीज। हाँ जी सबको मुबारक दें, सबको ईद मुलादम नबी मुबारक हो। हाँ जी यार ये हमारी सबसे अच्छी ईद है जो सब ईदों से बढ़ के। हाँ जी जी बेशक, ये ईद मुलादम नबी मिला इसके बाद हमको दो दूसरी ईद। हाँ जी हाँ जी सही कह रहे हैं, हमारी बड़ी ईद होती है। तो किधर लेके जा रहे हैं? कैंट में देखते हैं। अच्छा, क्योंकि एक दिन तो ये शहर में होता है, दूसरे दिन कैंट में पहाड़ियाँ वगैरह। वो हस्बैंड बड़े शौक से देखते हैं और दिखाते हैं और चलते हैं। आगे गाड़ी थी हमारी, हम बच्चों को भी लेके जाते थे, अब हमारी है मोटरसाइकिल, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, फिर बाइक फंस जाती है, फिर रश ज्यादा अच्छा नहीं। हाँ मैं और मेरे हस्बैंड जी बस जा रहे हैं। पाया मैंने कहा पाया पहन लेते, इसलिए पाया पहन लेते हैं कि चल सेव रहता बंदा। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं और बताते हैं। कहते होंगे लाइटें ऑफ करती रहती है, लाइटें इसीलिए कि बिजली है महंगी। हर व्लॉग में आप देखते होंगे लाइटें ऑफ करते रहती है, क्योंकि बिल बहुत आते हैं ना, बिल बहुत आते हैं। जिधर जाते हैं वो लाइट बाल लेते हैं, दूसरी बंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी, फिर चलते हैं और दिखाते हैं। और इधर जो है ना सियालकोट में दूसरे दिन कैंट साइड पे बनती है, अभी दूसरे इलाकों का हमें कोई पता नहीं है कि उनकी कब बनती है, दूसरे दिन ना कैंट में बनती है। और ये आप लोगों को कैंट का एरिया दिखा रहे हैं कि मैं कहती थी हमारे एरिया में फिर भी कुछ बना हुआ था, पर कैंट में तो कोई कुछ नहीं था। आप लोग सर के देखे, रश काफ़ी ज़्यादा था। और ये देखिए जी सड़कों का कोई हाल नहीं है कि सड़कें हाल नहीं है, और ना कोई सजावट हुई हुई है ना कुछ। लोगों का पता नहीं क्यों इस तरफ से पीछे होना शुरू हो गए हुए हैं। ये हमारे रसूल का दिन है ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। हमारे नबी का दिन है, इसको मनाएं, खुशियों से मनाना चाहिए। और नात वगैरह दुरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए दिलों में पढ़े, तो बस अल्लाह रहम करे अल्लाह करम करे। और ये देखिए जी आगे थोड़ी थोड़ी बिल्डिंगों पर ना उन्होंने लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है, और हस्बैंड जी कह रहे थे चलाओ ये हमारा घंटाघर, तो घंटे घर को अच्छा खासा उन्होंने सजाया हुआ था लाइटों से। जनरली इतनी सजावट वगैरह कुछ भी नहीं था हुआ हुआ,
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।